with Momin Saqib. Thank you. आप लोगों का शुक्रिया जिन्होंने इतनी प्यार मोहब्बत से मुझे वेलकम किया। 11 से 12 हमने मज़े मज़े की बातें करनी है और कोशिश करना है कि आप कुछ हमसे या मैं कुछ आपसे सीख भी लूँ, लेकिन सीखना तो उसी ने होता है जो कुछ सीखना चाहता है, लेकिन एंजॉय हमने करना है क्योंकि छोटी सी ज़िंदगी है। शाहरुख ने ठीक कहा था, क्या पता कल हो ना हो। और इसी के साथ बुलाना चाहूँगा आज के हमारे मेहमान को, क्योंकि हमारे शो की जान हमारा मेहमान तो होता ही है, लेकिन असल जान तो आप लोग हो ना यार। इसी के साथ बुलाना चाहूँगा हमारे आज के मेहमान को, जो कि वैसे तो एक बहुत खूबसूरत इंसान है, लेकिन इसी के साथ उनका दिल भी बहुत खूबसूरत है। चंद लम्हों में इन्होंने बहुत से कमाल ड्रामे हमारी कौम को दिए और लोगों के दिलों में अपनी एक्टिंग के थ्रू बहुत सी जगह बना ली। आपकी भरपूर तालियों में, मोहब्बत में, जोश में, वलवले में बुलाना चाहूँगा मोमिना इकबाल। ये प्यार, ये मोहब्बत, इतने लोगों का आपको इकट्ठा वेलकम करना, आपके लिए इतनी तालियां बजाना, बचपन में एक्सपेक्ट किया था कि ये होगा, पब्लिक फिगर बनूंगी, इतना प्यार मिलेगा? नेवर, आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस कि मुझे इतने सारे लोगों का प्यार मिलता है, इवन ऑन सोशल मीडिया। अगर वैसे भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ, ये सब इन सब की वजह से है। आई थिंक वी आर स्टार। I feel like the queen of the world. चलिए मैं और आप इनके लिए तो बता ली। Yes, thank you. थैंक यू। उन्होंने जो कहा है ना क्यूट, वो तुम्हें नहीं कहा, सबको कलेक्टिव कहा है। ठीक है, तो कराची से लाहौर हद करदी के लिए आई, कैसा सफर रहा? एज एवरीबडी नोज क्या है, फ्लाइट फोबिया। अच्छा या तो फिर आपको पैदल आ जाती? आई ट्राइड बट मैं पहुंचती बहुत दिनों बाद, टाइम लग जाता। फिर तब तक आप बूढ़े हो जाते। हाँ नहीं, अभी इतनी मैं भी तो मैं बच्चा हूँ। फ्लाइट फोबिया तो किस तरह फिर मैनेज करती है प्लेन में? बहुत मुश्किल है, बस हो जाता है। काम करने के लिए तो फिर ट्रैवल करना पड़ता है। डरी रहती हैं थ्रू आउट? यस, ऑल टाइम इज लाइक। अच्छा, अभी ये टेक ऑफ होने लगा है और आप बैठी हुई हैं मेरे साथ और ये फुल बस आखिरी रह जाता है कि लगता है इसके जहाज के साथ मैं भी परवास कर रही हूं। आसमान में नहीं है, ऊपर ही जा रहा है। यस, ऊपर जा रहा है, मैं भी परवास करने लगी हूं बस। और जब लैंडिंग हो रही होती है, ओ फल्ला, जो मेरे साथ आंटी बाजी जो भी बैठी होती है ना, वो पूरा टाइम बेचारियों का, मैं कहती हूं मैं दिमाग खराब कर देती हूं। अक्षय कुमार की तरह उनके बाल खींचे। आई मस्ट से थैंक यू फॉर ऑल लेडीज जो मेरे साथ बैठी हैं, मुझे बर्दाश्त करती हैं पूरा टाइम। उन सब औरतों का शुक्रिया जिन्होंने इनके साथ ट्रैवल किया है। और मैसेज ये है कि आप अगर इनके साथ बैठी हो तो प्लीज सीट चेंज कर लें। नो, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा बेहतर हो गई हूँ, पहले तो बहुत ज्यादा मुझे डर लगता था, लेकिन अब मैं थोड़ा कंट्रोल कर लेती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अब जब आनी है तो फिर अब आ ही जानी है। देखे, जब आनी है तो आनी है, इसलिए खाना वो खाओ जो हजम हो जाए। ठीक है, तो नहीं इसी के साथ नहीं, बात तो ठीक है, बात तो ठीक है। और मैंने ये सुना है, वैसे तो मेरी आपसे आज पहली मुलाकात है, कि आप बहुत बातें करती हैं, आपको बातें करने का बहुत शौक है। हाँ, मैंने भी रिसेंटली भी एक शो में कहा था, मुझे लगा करने कि रिसेंटली मैंने बहुत बातें की है। कल की है, अभी भी करी थी, बैठी हुई इंतजार करी। बचपन से आदत है या बाद में डेवलप हुई? नहीं, बचपन से तो मैं बहुत खामोश शांत वाला बच्चा, लेकिन नेगेटिव कैरेक्टर्स करने के बाद इतना एक बुरा, अब बुरा कह लें अच्छा कह लें, ये इम्पैक्ट मुझ में पड़ा कि मैं बहुत टॉक्सिक हो गई। यस, आपको कौन देता है नेगेटिव कैरेक्टर्स देख के? अल्लाह, मुझे आंटियां कहती हैं शक्ल से लगती तो नहीं हो तुम ऐसी। लेकिन आप प्ले ठीक करती हैं, तभी लोगों के दिलों में, तभी तो दे रहे हैं कि शक्ल से लगती नहीं हूँ। और फिर अनएक्सपेक्टेड होता है स्क्रीन के ऊपर कि ये क्या करी है। अक्सर कभी ऐसे हुआ है, क्योंकि हमारी ऑडियंस है, इनको भी थोड़ा सा एजुकेट एट टाइम्स करना पड़ता है, कि वो आप कभी एयरपोर्ट पे किसी शॉपिंग मॉल में जाएं, वो असल में आपको नेगेटिव समझ रहे हो, तुम तो बड़ी नहीं। तो हो जाता ना, लोग इतने वो, ऐसा होता है समटाइम्स। मतलब मेरी शक्ल देख के, अब आई डोंट नो, लोग कहते हैं कि लगता नहीं है इतना नेगेटिव कर लेगी, लेकिन वो कहते हैं कि शक्ल से ऐसी तो नहीं लगती। बेटा मत करो ना नेगेटिव। अभी मेरा अभी रिसेंट स्टार्ट हुआ है सान फरामोश, तो उसमें भी लोग कमेंट करें इसको क्यों नेगेटिव दे देते हो, एक यही तो बच्ची है जिसके चेहरे पर थोड़ी मासूमियत है, उसको भी तुम लोग नेगेटिव दे देते हो। तो मैं कहती हूँ कि अब ये तो आप, अब हम काम करें तो हर तरह का वेरिएशंस तो देनी पड़ेगी। रोक के कभी इस तरह कहा और आप कह रही हैं आंटी मैं लाइक कसम दिल की पड़ी अच्छी, जिस तरह आपने तरले डाल दिए हो। नहीं, ये हर बार ऐसे होता है कि अभी मेरा सेकंड टाइम था नेगेटिव रोल, तो मैंने घर फ़ोन करके बहुत रोया कि लोग मुझे जज करेंगे कि ये कितनी ईविल है, ये कितनी बुरी है, इसके दिमाग में हर वक्त ये सब चल रहा होता है। और आपको पता है नेगेटिव रोल्स आफ्टर पैकअप भी आपके ऊपर बहुत इफ़ेक्ट्स छोड़ जाते हैं। यू कैन स्लीप ऑल नाइट, आपको ऐसा लगता है कि हर तरफ नेगेटिव एनर्जी है आपके, तो इट वॉज वेरी हार्ड टू डू। नींद भी नहीं आती नेगेटिव रोल करके? नो, मतलब अगर एग्जाम से पहले बंदा को नेगेटिव रोल कर ले। ये अच्छा आइडिया है, ये अच्छा आइडिया है। ये मोमिना जी, वाकई हम उम्मीद करते हैं कि आप नेगेटिव रोल करें, आप पॉजिटिव रोल करें, आप रोल ऐसा करें कि कमाल हो जाए और हम रोल खाते रहे, चिकन वो चाहिए था। बाकी इसी बात के साथ मैं आपको एक दफ़ा फिर से वेलकम करना चाहूँगा। हाद कर्दी, प्लीज़ आप तशरीफ़ रखें और शो को शुरू करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह करती हैं आप नेगेटिव रोल्स हैं, लेकिन ऑडियंस की तरफ से इतना आपको प्यार मिल रहा है। यू सीम लाइक अ गुड ग्लोबल सोशल सिटीजन, लेकिन 2018 में आपने वोट नहीं किया, ऐसा क्यों? ये तो वोट तो करना चाहिए ना। मैं 18 की नहीं हुई थी। अगर आप 18 के नहीं हो तो आपने वोट नहीं करना, कोशिश भी नहीं करनी, इसलिए वोट नहीं किया था। अब हो गई 18 की। हाँ, कितने साल हो गए? हाँ, हो गई हूँ। शरारती कर। मुझे ये बताएं, अब किसके लिए वोट करेंगी अगले इलेक्शंस में? अभी तो मुझे बहुत गुस्सा और ग्रज है इन सारी चीज़ों को लेकर। आज तो गुस्सा निकाल दे, कैमरा तोड़ दे। मतलब क्या यार, मतलब अभी मैं बिल्कुल सेंटी इमोशनल नहीं होना चाहती हूँ। मैं वापस आपको मूड ठीक कर दूँगा। ठीक है, फिर मैं बताती हूँ कि आप किस पार्टी को वोट करेंगे, आप किस लिए जा रहे हैं वोट करने के लिए। आप अपनी आवाम को निकल के देखें तो सही, कोई एक इंसान का बच्चा ला दो, मैं वोट कर देती हूँ उसको, है ही कोई नहीं ना। और आपने देखा ये बिजली की क्या प्राइसेस हो गई? I cried last night. It was too bad. Momina, don't make fun of it, हाँ? नहीं, it नहीं. Is so दिल से। आप वाकई, आप आंखों में आंसू आ गए, लोगों को नजर नहीं आ रहे। आप खुद क्यों नहीं इलेक्शनों में खड़ी हो जाते? क्योंकि ये मेरा काम नहीं है ना। आप अपनी तरह की एक खूबसूरत पार्टी बना दे जो मुल्क ठीक करते हैं, फिर वो मेकअप बेचेगी, मुल्क थोड़ी चलाएगी। माशाल्लाह, मुल्क के लिए आपके दिल में दर्द है। और बात को आगे लेकर चलें तो बताए बगैर आपने घर वालों से छुप के मॉडलिंग स्टार्ट कर दी थी, फिर ये किसने ये पुप्पो का काम किया और आपके घर वालों को बता दिया, जिसके बाद अंकल नाराज रहे आपसे। कौन थी ये पुप्पो? पुप्पो, मेरी पुप्पो अच्छी है वैसे तो। मेरी भी बड़ी अच्छी है। भाई आपका देख के तो आपके भाई इस तरह का रिएक्शन दिया। वो सबका ही लाडला है, तो ऐसा नहीं था कि मैंने छुपकर ही किया था। हाँ, लेकिन जब बाद में पता चल गया था तो फिर ऑब्वियसली उनको पता चल गया था कि मैंने जॉब क्विट कर दी और मैं मॉडलिंग कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं। जॉब कहाँ कर रही थी आप? ये जो भी मैंने हॉस्पिटैलिटी में काम किया हुआ है। अच्छा, वेरी गुड। तो फिर आप जब पता चला वालिद साहब को तो क्या रिएक्शन था, डील कैसे किया उनसे आपने? नहीं, वो बस बात नहीं कर रहे थे कुछ दिनों तक। अच्छा, फिर आपने कहा ठीक है ना करें? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ना करें, घर से बाहर निकाल देते मुझे। फिर तरले किए कि बाबूजी प्लीज मुझे जीने दो मेरी जिंदगी। फिर उन्होंने कहा जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी। घर पे भी एक्टिंग, घर पे पॉजिटिव एक्टिंग नहीं, मैं समटाइम्स नेगेटिव हो जाती हूँ। मेरे भाई बहन सब कहते हैं ये बहुत इरिटेटिंग है। किस तरह इरिटेट कैसे, मतलब एग्जांपल दे। मतलब मैं जब दिल करता है ना तो बिला वजह बातों के ऊपर ये करती हूँ बैठे हुए को। बैठे बैठे तो भाई तो पास ही नहीं बैठता होगा। नहीं बैठते, फिर भी अब क्या करें, मैं उनकी बहन हूँ, तब उनको बर्दाश्त करना पड़ता है। बहन होती है ना। क्या बात है। 17 में जहाज में माया अली, वहाज अली, मोमिना इकबाल, नियर डेथ एक्सपीरियंस, ये क्या वाकया हुआ था? सबसे ज्यादा चीखें किसने मारी? आप शर्मा रही हैं या हंस रही हैं? मैं शर्मिंदा हो रही हूँ। शर्मिंदा हो रही है, थैंक यू। थर्ड क्या हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ था एक्चुअली। उससे 2-3 दिन पहले ही हमने अपने ड्रामे का OST शूट किया था। अच्छा, गडानी में। अच्छा, तो मेरी पूरी स्किन बर्न हो गई हुई थी, बैक से फेस से पूरी बर्न थी। तो मैं बर्न हुई, मुझे सन बर्न हो गया था। सन की तरह इधर नजर नहीं आ रहा, वरना तो बहुत ज्यादा स्किन मेरी खराब हो चुकी थी। तो मैं घर आ रही थी कराची से लाहौर, तो मैंने बस सडन फ्लाइट कराई कि मैं जा रही हूँ, और आई वाज द आखिरी पैसेंजर जिसने बस भाग के, मैंने जाके बोला प्लीज़ मुझे घर ले जाओ। उन्होंने कहा चलें ठीक है, अब आप लेट आई हैं लेकिन हम आपको इन करें। तो मेरे माइंड में ऑलरेडी मुझे फ्लाइट फोबिया था, तो मेरे माइंड में था हाय अल्लाह मैं आखिरी पैसेंजर थी, कुछ हो ही ना जाए। तो वो मेरे माइंड में चल रहा था तो कि मैं आखिरी, उसने उसके बाद काउंटर क्लोज कर दिया, वो चीज़ें थॉट्स मेरे माइंड में आ रही थी। और फिर उसमें जो फ्लाइट में हुआ, मैंने तो किसी को कहा मुझे बैठने मत दो, मैं सिर्फ इतना कह रही थी उनसे कि मुझे वॉक करने दो। मेरी ऑलरेडी बैक बहुत ज़्यादा बर्न थी, तो मैं कहती मैं बैठ नहीं पा रही क्योंकि इतना क्रियोस मचा हुआ था पूरी फ्लाइट में। अच्छा उसके बाद फिर मैं थोड़ा सुकून कर लिया, लेकिन जब कलमा सबने पढ़ना शुरू किया वो आहिस्ता 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 आहिस्ता। कलमा क्यों पढ़े थे लोग? क्योंकि जहाज़ स्टेबल ही नहीं हो पा रहा था। एक तो होता है टर्बुलेंस हो रही है, बैड टर्बुलेंस हो सकती थी, लेकिन वो जब बिल्कुल कभी राइट पे चला जाता था और आपको लगता था कि ये अब नीचे गिरेगा, और आपको लगा कि अब टाइम आ गया, अब टाइम आ गया। और जब लोगों ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, फिर मुझे लगा मुझे पार्टी लेनी पिया हुआ था, मुझे लग रहा था। लेकिन आप सेफली लैंड कर गए अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक तो है ना? बाकी बात है रूहें भी आती हैं आपके शो में। मैं वही सोच रहा हूँ, वरना अगर कुछ अल्लाह ना करे हो जाता तो फिर नूर बन के आप हमारे शो पर आती। नहीं फिर मैं हिसाब दे रही होती अभी तक। वाकई वैसे वैसे तो जिंदगी में और भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपके जीते जी हिसाब लेने पे तुले होते हैं, लेकिन क्या करें। ये मुझे बता, इन लोगों का क्या करें हम? नॉन एग्जिस्टेंस। आप बिल्कुल इनको कोई भाव नहीं देती? नहीं, जब मेरा बहुत दिमाग खराब हो जाता है फिर मैं दे देती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं इग्नोर ही करती हूँ। ये कौन लोग हैं जो आपका इतना दिमाग ख़राब करते हैं? वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे कहीं पर भी कोई बैड कमेंट नहीं आता, मतलब कोई भी मुझे कहीं पे भी कोई नहीं, लेकिन अगर कोई उल्टी सीधी बात कर दे ना मेरे से बर्दाश्त नहीं होती। मैं भाई बन जाती हूँ, मुझे लगता है मेरी बहन छेड़ दी है किसी ने। आई स्वेयर आई फील लाइक दैट कि मतलब हाउ डेयर यू। और वापस कमेंट करती है? हाँ मैं कर देती हूँ, फिर मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। 3 घंटे हो गए थ्रेड चल रही है, कमेंट्स की 150 हो गया, वो लिख रहा है फिर आप लिख रही हैं। नहीं इस तरह नहीं मैं करती, मैं एक ही मैसेज लिख देती हूँ बस, एक ही। हाँ खुल के। उसके बाद वो मेरे ख्याल में नस काट लेता होगा जो भी होगा। कातिलाना क्या बात है, कुछ तो असर हो नेगेटिव रोल करने का। हाँ कुछ तो फायदा हो भाई, जो नेगेटिव रोल इतना अच्छा करती हो उनके साथ नेगेटिव कॉमेंट, उनकी तो प्रैक्टिस है। माशाल्लाह आपने फिल्म की जुदाई, फिर दाल चावल, तो अब अगली फिल्म सिरीपाए के। एक्चुअली हम कश्मीरी हैं ना, तो हम काम ही दाल चावल से शुरू करते हैं। कितना डिफिकल्ट था आपके लिए कमिंग फ्रॉम somewhere where you had no connections? स्टार्टिंग में ऐसे होता था कि ये पहले क्यों आ गया है, मतलब इस अभी ये नया आया है और इसको लीड मिल गया है, कैसे मिल गया है। अगर आपको सेकंड लीड भी मिल गया है तो सीनियर्स की प्रायोरिटी होती थी कि पहले हम तैयार हो जाएं, या पहले हमारा सीन हो जाए, या पहले हमारा कट हो जाए, मतलब उस तरह से होता था। एक शादी का फंक्शन है, पहले हम तैयार हो जाए, हमारा सीन हो जाए। सीनियर्स ने तंग भी किया शुरू में? हाँ शुरू में, मतलब इस तरह होता था कि वो कहते थे, वही बात होती है ना कि अगर आप बैठे भी हो तो दे डोंट लाइक कि कोई बैठा भी है, नॉन एग्जिस्टेंस। लेकिन ये होता है कि वक्त के साथ साथ किसी भी आप शोबे में जाएं ऐसा ही होता है, आपको स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ फेस करना पड़ता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आप अपनी जगह बना लेते हैं। और आपने अपनी जगह बना ली, आपने ये नहीं सोचा कि मैं किसी कनेक्शन से आई हूँ, मेरा इंडस्ट्री में बैकग्राउंड है नहीं है, मोमना आई है तो हुन मोमना ने छाना है। हाँ, yes. ये आपका एक मोटो था? हाँ मैंने कभी भी गिव अप नहीं किया, मुझे काम करना था तो मैंने किया, बाकी इज़्ज़त तो अल्लाह ताला ने देनी है। और फिर सारों ने इतना मुझे प्यार किया कि फिर मैं, मुझे लगा कि अब जब मुझे इतना प्यार मिल रहा है तो फिर मुझे और चाहिए, तो फिर मैंने और काम किया। आज तक सेट पर सबसे फ़नी या वियर्ड एक्सपीरियंस क्या रहा है आपका? सबसे फ़नी और वियर्ड, फ़नी तो रोज़ कुछ ना कुछ होता है। फ़नी बताए ना। हाँ ओके मैं एक्टर का नाम नहीं लूँगी, लेकिन आपको बताती हूँ ठीक है कि ना, मैं ना ऐसे, मतलब वो मेरे साथ ऐसे काम करे थे, हम सेम लाइक लीड पे, मतलब दोनों लीड पे है, मैं हीरोइन और वो हीरो ठीक है? तो ना मैं अंदर ही, मैंने कहा हो मैंने बचपन से आपके ड्रामे देखे, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। इज लाइक क्या मतलब बचपन से, क्या मतलब था, मैं इतना बुढ़ा हूँ। तो वो एक सडन निकला और फिर मैं उसको पूरा दिन कवर करती रही कि नहीं मेरा मतलब ये था कि जब मैं इंडस्ट्री में नहीं थी, तो ये बहुत एक फ़नी सीन था, लेकिन मैंने उसको कवर करने की पूरा दिन कोशिश की। अब उनको पता भी है मैं जिनको कह रही हूँ, उनको भी पता है, इनको भी 2 मिनट तक पता चल जाएगा। आपने उनके साथ ये किया, लेकिन आपने खुद कहा है कि जब भी कोई नया एक्टर सेट पर आता है तो मैं सारा दिन उसे घूरती रहती हूँ। हाँ स्टॉक करती हूँ मैं से। ये क्यों स्टॉक नहीं, मतलब मैं सारा दिन मेरे अंदर एक एक्साइटमेंट होती है, उनको नया हो या पुराना कोई भी एक्टर हो, जब मेरे सामने कोई भी एक्टिंग कर रहा होता है ना तो मुझे, अगर मैंने उसको उससे खुद से पहले काम करने से पहले स्क्रीन पर देखा हो या बहुत पुराने सीनियर्स की, तो मतलब मैंने अगर जावेद शेख साहब के साथ काम किया तो जब मेरा पहला टेक उनके साथ था और मैं इतनी नर्वस थी, मतलब हालांकि उन जब से वो सेट पर आ रहे थे उनको हम सबके नाम याद थे, हम 6-7 लड़कियां थी, हम समझौता कर रहे थे, उनको हम सबके नाम थे, सब बच्चियों आके पूछते थे फलां किधर है, फलां आया, फलां आया। तो जब मेरा उनके साथ पहला सीन था तो मैं इतनी एक्साइटेड भी थी और नर्वस भी थी कि मैं क्या करूँगी, और मेरी वजह से 4 दफ़ा रीटेक हुआ और वो स्टेयर से ऊपर से नीचे उतर के आया और मैंने उनमें ज़रा एग्रेशन या वो चीज़ नहीं देखी कि ये क्या करिए, कहते बच्चे कोई बात नहीं, हो जाएगा, अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा। तो वो चीज़ें भी मैंने देखी हैं, वो भी एक मतलब खूबसूरती है, ये भी एक कि आप सीनियर्स को, तो मैं उनको ऐसे देख रही होती थी कि ये इनको ज़्यादा रीटेक्स नहीं करने पड़ते, ये एक दफ़ा पढ़ते हैं और ऐसे बंद कर लो अंकल, है ना, मैं ऐसे करती हूँ कि मतलब मैं देख रही होती हूँ कि कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। कभी ऐसे नहीं हुआ कोई बच्चा बेचारा छोटा कोई यंग एक्टर आया हो और आप उसको घूर रही हो और वो परेशान है कि बाजी चपेरी ना काट मारे मेरे नहीं, डर के वैसे सारे ऐसे ही हैं सेट पे कि ये बहुत एग्रेसिव है। आप अग्रेसिव लगती हैं? मतलब उनको लगता है कि मैं हूँ बहुत गुस्से वाली, लेकिन आप नहीं है गुस्से वाली, मैं हूँ। मुझे देखें माशाल्लाह ऑलमोस्ट हम एक दूसरे को तकरीबन 15 मिनट से जानते हैं, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं, आप शो का फॉर्मेट नहीं है ना एग्रेसिव लग रही है। हाँ शो में आप हंसती हैं लेकिन वैसे दोस्तों के साथ गुस्सा हो जाती हैं आप? हाँ। इंडस्ट्री में अच्छे दोस्त बनाए? सब मेरे दोस्त हैं। वेरी पॉलिटिकल, पॉलिटिकली करेक्ट। लिपसिंग बैटल आपकी तरफ आ रहा है, कम ऑन लेट्स डू दिस। अब जो अगला गाना आने लगा है उससे पहले हम थोड़ी सी उसकी बैकग्राउंड दे दें कि वो गाना इनके लिए कितना लकी था, इनके करियर के लिए, इनकी ज़िंदगी के लिए, कि जब भी वो गाना लगता है इनके एक्सप्रेशंस, इनकी खुशी एक और लेवल पे चली जाती है। इस गाने से पहले आप क्या इसके बारे में कहना चाहेंगे? ये गाना मेरे लिए बहुत लकी साबित हुआ था क्योंकि मेरे फर्स्ट सीरियल का फर्स्ट OST था। तो जब मैं किसी रेस्टोरेंट में जाती थी या मॉल में जाती थी ना, इवन किसी मिनीसो में चली जाती थी, वो भी बोल कफारा लगा देते थे और मैं उनको यूँ देखती थी कि मतलब ये जगह नहीं है ये लगाने की, वो फिर भी लगा दे, मतलब शक्ल देखते थे ये वही लड़की है। तब नाम नहीं इतना लोगों को मेरा पता था, फर्स्ट था वो, तो वो लोग जहाँ पे भी देखो बोल कफारा गाना लगा बता देती। मेरा नाम मोमिन क्या बात है। देखिए कुछ चीजें, कुछ लोग इस तरह आपकी जिंदगी पे एक इम्पैक्ट क्रिएट कर देते हैं, फिर क्या बन जाएगा पूरा दसो ए लगाना है ना बस। हद कर दी विद मोमिना साकिब। चले जी, बोल कफारा। अरे ये तो चीटिंग है। वो कहते तुम जीत गए, हम हारे तुम जीत गए, एक ही बात है ना, ये क्या बात हुई? हाँ। वो कहती तुम जीत गए, मैच हो रहा है, ठीक है, गेम पूरी हो गई, तुम जीत गए हम हारे। समझ आ गई, पाकिस्तान ही खेल रहा होगा ना, लाहौर मुल्तान की अगर चल रही होगी तो वो जीते तब भी पाकिस्तान जीता, वो हारे तब भी। आगे चले, क्लियर हो गया। किस तरह इस गाने ने इनकी जिंदगी पे, इनके करियर पे एक इम्पैक्ट क्रिएट किया और आपने इनकी परफॉर्मेंस से देख लिया कि इनका दिल किस तरह बोल कफारा से जुड़ा हुआ है, जिस तरह आपका दिल हद करदी से जुड़ा हुआ है। तो लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, कीप वॉचिंग हद करदी विद मोमिन साकिब। थैंक यू। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। उम्मीद करते हैं आप हद करदी का ये शो एंजॉय कर रहे हैं। शो को आगे लेकर चलते हैं, इनसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन इनसे पहले उनसे सवाल पूछ रहे हैं जिनकी वजह से ये हैं। वैसे एक्चुअली ये भी सच नहीं है, हम सब कुछ अल्लाह ताला की वजह से हैं, लेकिन चलो ये लोग कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं देख के, अगर नहीं भी देखते तो ठीक है, अपनी ज़िंदगी हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि हमारा ड्रामा देखो या हमारा शो देखो। आपने देखना, लव यू, आपने नहीं भी देखना तो देख लो। लव यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? दुआ इजाज़। दुआ जी, दुआ जी। आपने मेरे लिए दुआ जरूर कर दिया जी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। दुआ करेंगी, मतलब दुआ मेरे लिए दुआ करेगी तो डबल दुआ होगी। अरे वाह, क्या करती है? मैं पढ़ती हूँ। क्यों, क्या है पढ़ाई में, क्या पढ़ा है? मजाक करूँ क्योंकि आजकल सारी पढ़ाई के खिलाफ हो गए, हालांकि पढ़ना बहुत जरूरी है। दुआ क्या पढ़ती है? BS मैथ्स कम्युनिकेशन। मैथ्स कम्युनिकेशन। इसके बाद लाइफ में क्या करना है? प्रोडक्शन में जाऊंगी। इस चीज की प्रोडक्शन? रोटी की प्रोडक्शन? नहीं। अपना गाड़ियों की प्रोडक्शन? ये जो शो हो रहा है इसकी प्रोडक्शन। आप मेरा शो प्रोड्यूस करेंगी? हो सकता है। आप मुझे होस्ट रखेंगी? जी। मेरे साथ को होस्ट किसको रखेंगी? मोमिना। इन्होंने कितने प्यारे तरीके से आपका नाम लिया है, मोमिना। वरना लोग कहते हैं मोमना, कुछ लोग कहते हैं मामना। बहुत अच्छा, थैंक यू। डिफरेंट लोग, कोई कहता होगा मामना, कोई कहता होगा मोमिना। मोमना, मोमना, कोई एन खा जाता होगा, मोमिना खा जाता है। हाँ। सबसे वियर्ड तरीके से किसने आपका नाम कैसे लिया? बहुत वियर्ड तरीके से लिया लोगों ने, लाइक मोमना, मतलब इतना बुरा लगता है, मतलब मैं तो अपना नाम उस तरह बिल्कुल नहीं लूंगी। आप कैसे लेती हैं नाम? मोमिना। मोमिना। हाय माय नेम इज मोमिना इकबाल। हाय माय नेम इज मोमिना इकबाल, नाइस टू मीट यू, थैंक यू। आपने रोटी 12 साल की उम्र में बनाना सीखी थी, पागल की उम्र में बनाना सीखा है? अभी तक बना रही हूँ, अब ये नहीं याद कब से सीखा है। जी, कितने लोगों को बना दिया अब तक? आई थिंक हजारों लाखों को, माशाल्लाह। के जो मैं एक्टिंग करती हूँ वो भी अपने आप से हट के। हाँ। एक चीज करना, लोगों को पागल बना देने में बहुत एक बड़ी बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आयशा। तो मोमिना जी से सवाल पूछेंगे? कोई जी पूछे। जिससे शादी करेंगे उसके बारे में क्या सोचा है आपने? जिससे शादी करेंगी उसके बारे में क्या सोचा आपने? लड़का हो। हाँ। फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि लड़का हो। गुड। लड़का हो? लड़का शादी के बाद नहीं, शादी करने के लिए लड़का हो। शादी, हाँ शादी करने के लिए लड़का, लड़का वैसे ही वो पूछ रही है कि शादी के लिए आपने क्या सोचा हुआ है? आपने शर्मा गई अब आपके सवाल से। यार मैं ना जरूर जवाब देती, मेरा भाई बैठा हुआ है तो भाई भी शादी अटेंड करेगा, ऐसी कौन सी है बात। मैंने भी अपनी बहन की शादी अटेंड की है। ये मुझे लॉजिक नहीं समझ आएगी, मैं नहीं बता सकती। भाई बैठा हुआ है, मतलब देखिए ना, मैं अपने भाई के सामने बैठ के कह रही हूँ, पता है लड़का ऐसा होना चाहिए कि तो लड़के से शादी करनी तो है कभी। हाँ, तो हमने बोला तो पहले मैं कंफ्यूज हो गई थी कि बाद में लड़का होना कि पहले लड़का चाहिए। नहीं, वो पूछ रही है जिससे शादी करनी है उसके बारे में क्या सोचा है, बाद में लड़का हो लड़की हो, अल्लाह ताला के शादी करनी है। हाँ, उससे उसके बारे में सोचा कि उससे शादी करनी है। क्या पूछ रहे हैं आप, बताएं। कंफ्यूजन हो रही है। लड़का कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। और अब और मैं क्या बताऊं? आप शर्मा क्यों रही हैं इतना? अच्छा क्या होता है, चलें ये बता दें, जो आगे से जवाब ना दे, चुप रहे। नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि चुप रहे। कुछ लोग तो जवाब इसलिए नहीं देते हैं कि लड़ाई, मतलब लड़ाई ना हो जाए ना, और कुछ लोग इसलिए नहीं देते हैं कि बोलती रहे। कौन सा वाला चाहिए कि लड़ाई ना हो, बस चुप रहे। हाँ, म्यूट म्यूट, बिल्कुल। हाँ ठीक है, जुबान कटवा देंगे। ये माशाल्लाह कसाई है बकरा ईद पे। अस्सलामुअलैकुम साकिब, कैसे हैं आप सुनाए? बिल्कुल फिट। मिमी मुझे ना लाइक बचपन से क्यूरियोसिटी है। वी वर इन द सेम स्कूल, यू नो, सलमान पब्लिक हाई स्कूल, एंड शी यूज्ड टू लॉस हर सेंसेस एवरी फ्राइडे कि हमें सिर्फ ये क्लास में न्यूज़ आ रही थी तुम्हारी बहन बेहोश हो गई है। हाँ जी, एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम एवरी फ्राइडे, क्योंकि हमें लेने आते थे हमारे पापा, और हम लोग क्लास से बाहर जाके बस देखते थे मिमी बैठी हुई है, और मिमी बस ऐसे बैठी हुई है और उसको कोई सेंस ही नहीं है। एवरी फ्राइडे, ओह माय गॉड। और ये खाली बचपन की बात नहीं है, ये अभी भी हो जाता है मोस्टली कि सडन नीचे, अगर मैं नीचे वाले पोर्शन में बैठा हूँ तो मुझे आना वो मिमी बेहोश हो गई। आप जेब में पानी की बोतल लेके फिरते हो कि कभी भी छींटे मारते पड़ते? नहीं, फिर मैंने उसका बेस्ट सोल्यूशन ढूंढा, स्टार्टेड जिम। फिर मैं इनको ऐसे उठाता हूँ और गाड़ी में रख के सीधा हॉस्पिटल। आदत पड़ गई थी कि मिमी ने तो फ्राइडे को बेहोश हो जाना है, बच्चों को गाड़ी चुकाओ तो लाया जाओ बस। बिल्कुल। लेकिन ये क्या क्यों? अच्छा, मैं ना बर्फीला पांडा हूँ, मुझे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। बर्फीला पांडा पहली दफा वर्ड सुना मैंने। ओके, मेरे सारे फ्रेंड्स भी मुझे ये बोलते हैं। तो मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, तो जब स्कूल से बाहर हम खेल रहे होते थे या थोड़ी देर कुछ भी ऐसा होता था या रिसेस में हम लोग सारी फ्रेंड्स खेल रहे हैं ये वो, तो मैं थक जाती थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी, तो मुझे एसी चाहिए होता था बिल्कुल अपने फेस के ऊपर। तो बचपन में तो मैं इसलिए बेहोश हो जाती थी कि मेरे से धूप नहीं बर्दाश्त होती। मतलब आप बिल्कुल एसी के सामने? एग्जैक्टली, मेरी अम्मा ऐसे कहती हैं कि ऐसे खड़ी होती थी एसी के सामने। सब करते होंगे ये, तो सब करते हैं ये, तो अब भी सब करते होंगे। वो तो डिजिटल फैन के सामने बजा, तो ये हम शूट पे भी कर रहे होते हैं। कभी फैन हमारे पास पड़ा हो तो हम आउटडोर शूट पे कुछ, तो मैं इधर उधर देखती हूँ कि कोई नहीं देख रहा था, फिर मैं मम्मी जी देखा लोगों ने आपको सेट पे करते। अच्छा, ये बेहोश तो शुरू में आप परेशान है, बाद में आपने कहा ठीक है नॉर्मल है, नॉर्मल से आती है। उसके बाद तो पहले तो ये बहुत छोटा था, तो फिर ये परेशान होकर देखता रहता था कि अब ड्रामा करिए, अब मैं खेलने कब जाऊंगा, और ये वाला सीन होता था ना, क्योंकि मम्मा पापा पैनिक हो जाते थे। और अभी जब मैं बेहोश, अगर अब तो नहीं होती हूँ खैर, अभी तो भाई कह रहा है अच्छा अभी मतलब स्ट्रेस हो जाए या कुछ ऐसे तो हो जाता है, तो फिर इसका यही होता है कि ऐसे करके उठाता है। पहले तो मुझे ऐसे लगता था ये बहुत छोटे हैं ना, अभी इसका एक होता है ऐसे करके उठाता है, गाड़ी में फेंकता है, जानवरों के लेके चला जाता है। भाई कूली का काम भी करते घर का बेहतरीन कूली होगा। एक्टिंग में आने का इरादा है? मैंने इस बारे में सोचा नहीं है ज़्यादा। आई रियली वॉन्ट। आओ ना यार, क्या नाम है आपका? अब्दुल हमाद, वेरी नाइस। माइक करीब करें। मोमिना जी के भाई हैं अब्दुल हमाद, और जल्द ही आप इनको टीवी पे देखेंगे। अच्छा, इसमें तो आपकी बात बता दी, अब आप भी इसकी कोई बात बताएं हमें, जो ये भी सुन के गए नहीं। मैं बहुत ही शरीफ इंसान हूँ। शरीफ अभी कह रहे हो ना, वो स्टोरी सुना देंगी कोई हमें, इसको प्यार हुआ अभी तक? इधर आ जाओ। ये बताइए इसको प्यार हुआ भी था? इसने कभी आगे गाया कि आपा मैं बड़ा मैं अपनी मैं आपको बताती हूँ सीढ़ियों में बैठ के रो रहा होता। ये ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको बताती हूँ ये अर्लीज 8 की बात है। I was in 8 on that time, yeah he liked someone और प्यार नहीं कह सकते, एक अट्रैक्शन कह सकते हैं। 8 में अट्रैक्शन स्टार्ट हो गई थी तुम्हारी? नहीं फ्रेंडशिप थी और मतलब लाइक फिर इसने बोला कि शादी करवाओ इससे। नहीं मतलब नहीं मैं शादी से बहुत डरता हूँ। एक शादी से क्यों डरते हो? नहीं वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अभी मेरे ख्याल से कि अभी इंसान को पहले अपने आप को स्टेबल करना चाहिए ताकि किस जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने लेनी है तो आप प्रॉपर उस चीज़ को निभा सको। मैं बड़ा इम्प्रेस हो गया उसकी थॉट से। अभी रिसेंटली इसका कहीं दिल लगा? मैं मोबाइल चेक कर लूंगा बिल्कुल, मोबाइल चेक व्हाट्सएप खोल के सामने रख दूंगा। पक्की बात है, किसी के साथ बात नहीं चल रही ना। ये मेरा ना पकड़ा देगी। इन दोनों का प्यार देखकर मैं कहता हूँ सब बहन भाइयों का ऐसा ही प्यार हो। ये तो जय वीरू वाली जोड़ी है माशाल्लाह। इनके लिए दुआ करें कि इनका प्यार भी मजबूत होता रहे और जब इनकी लाइफ में कोई पार्टनर आए या इसकी लाइफ में कोई फीमेल आए तो इन दोनों का प्यार कम ना हो, क्योंकि आप इनकी बीवी की क्या लगेंगी? नो नंद लगूंगी। और वो आपकी क्या होगी? भाभी। भाभी और नंद ऐसे हो, हवा ना गुजर सके। हवा ना गुजर सके। आप वादा करती हैं आप इसकी बीवी से इतना प्यार करेंगी? हमारे घर में ये बात होती है, मेरी मम्मा कहती हैं कि अपने आप को इतना काबिल बनाओ, अपने अपने घर लौट दफा हो जाओ। दो मिनट थोड़ा मैं पीछे सैड म्यूजिक लगाऊंगा। हाँ प्लीज। इधर आओ, भाई को भी गले मिल लो, क्या सब ठीक हो जाए। अच्छा तुमने दिल लगा के पढ़ना है और तुम्हें जो लाइफ में पसंद है तुमने बहन से जरूर डिस्कस करना है। थैंक यू ब्रदर। थैंक यू। वेलकम बैक। आज आपका जिक्र कर रही थी, याद कर रही थी कि मेरे फैंस कहाँ हैं, मुझे अपने फैंस चाहिए। कौन सी एक्ट्रेस किसी को भी ओवर शेडो कर सकती है? सारी ही कर सकती हैं एक दूसरे को। आपको फील हुआ है कभी? आपने क्या आगे से किया? नहीं मैं होती नहीं हूँ ना। हाँ आपको नहीं ओवर शेडो करते? नहीं नहीं नहीं, मेरे लिए लाइट कम करते हैं। ये मैनिपुलेट कर दिया मैंने। इनको कुछ समझ नहीं आई लेकिन फिर भी इन्होंने ताली। मैं उस पे नहीं आ रही ना। गॉसिप करने के लिए सबसे बेस्ट पार्टनर कौन है इंडस्ट्री में आपका? गॉसिप करनी होती है ना सुबह सुबह आके, हम सारे गॉसिप करते हैं ना, मतलब सेट कोई भी हो तो मुझे तो बस मौका चाहिए होता है, मैं गॉसिप शुरू कर देती हूँ। इंडस्ट्री में शादी करने का सबसे बड़ा फायदा और नुकसान क्या है आपके मुताबिक? होती तो है। हाँ फायदा तो पीआर्स बहुत मिलते हैं, शादी भी मुफ्त में हो जाती है, शादी भी बच्चे भी मतलब बच्चे भी मुफ्त में मतलब बच्चों के इवेंट्स भी, मतलब हर चीज सब मुफ्त हो जाती है। और नुकसान? नुकसान ये कि समझ नहीं आता कि वो उसकी तारीफ करे, वो अपनी खुद कर रहा होता है, वो अपनी खुद कर रही होती है, तो समझ नहीं आता कौन किसी करे, फिर बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। तो आप गारंटीड इंडस्ट्री में शादी नहीं करेंगी? हल्फन हेलान बोल रही हैं आप? हाँ मैं हल्फन बोले। हाँ मैं इंडस्ट्री में शादी नहीं करूँगी। हल्फन बोल रहे। ये आपका क्लिप चलेगा, आप लगा दें। ये तो जितने बेचारे इंडस्ट्री में एक्टर्स है ना उनका तो गए हो। ये डील है, कैमरे में देख के बोलते हैं कि मैं मोमिना इकबाल ब्रो, सबको ब्रो बोल देती, सब ब्रो है इनके। हेलो यू एक्टर्स, जितने पाकिस्तानी शोबिज में एक्टर्स है ना वो इनके ब्रो हैं। एक्चुअली ड्रामास चल रहे और चलने भी, अब उनको मत ब्रो बना दो, मतलब लोगों के दिमाग में मुझे देख के कॉन्सेप्ट चल रहा होगा असल में वो ब्रो ही है। वैसे वो सब ब्रो है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के भी लड़के इनके ब्रो है। इंस्टाग्राम पर किसका डीएम देख के आज तक सबसे ज्यादा खुशी हुई है? डीएम देख के खुशी हुई है। किसका डीएम देख के खुशी हुई है? बी प्राक है या बड़ा तेज है। He's a good man। क्या गाना गाया? He's a good man। हमने ना एक वीडियो बनाई थी, मतलब मेरी फ्रेंड और मैंने, हमने ऐसे वीडियो बनाया था और मैं उस पर ना एक बहुत सीरियस सॉन्ग था और मैं उस पर बहुत फनी रिएक्शंस दे रही थी, तो वो उसने उनको पोस्ट किया था, टैग किया था, तो फिर उन्होंने रीपोस्ट किया था, फिर बस थोड़ी सी बात हुई थी। बहुत प्यारी बातें, बहुत प्यारा सेगमेंट। इसी के साथ चलते हैं अगले बड़े प्यारे सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है मूड स्विंग्स। मैं एक डायलॉग बोलूंगा, आपको एक सर्टेन इमोशन में वो डायलॉग बोलना होगा। रात को जब दूर गांव में कोई बच्चा रोता है तो पता है उसकी माँ क्या बोलती है? सो जा बेटा, टूट के क्या करेगा जब पूरी कौम भी सो रही है, तू भी सो जा। कोई बच्चा रोता है दूर गाँव में, जब कोई बच्चा रोता है तो उसकी माँ कहती है बेटा तू क्यों उठ गया है, सो जा पूरी कौम भी तो सो रही है। अब ये गुस्से में बोल के दिखाए तो गुस्से में ही बोला है। अरे तालिया, अपनी जिंदगी तो हम जी चुके चुन्नी बाबू, अब तो बस धड़कनों का लिहाज करते हैं। उदास है, उदास, सैड। अपनी जिंदगी तो जी बैठे चुन्नी बाबू, बस धड़कनों का लिहाज किए। यही डायलॉग है, उदास हो गया करते एक दफा। तालिया, नहीं ऑनेस्टली वेरी गुड। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। मेंटल हैं आप। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। तालियां, क्या बात है। मरीज की हालत बहुत तश्वीशनाक है, ऐसी बीमारी मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। इसका इलाज तो सिर्फ लंदन में ही हो सकता है। ये आप डॉक्टर हैं नवाज शरीफ। मुझे नहीं पता क्या शरीफ कौन है, क्या हुआ, क्या लिंक किया इसका उससे? ये तो डायलॉग है। लंदन की बात आती है ना तो फिर मुझे वो याद आ जाता है। नो, लेकिन जब लंदन की बात आती है फिर मुझे उनकी याद आती है। लंदन गई हैं आप? वो कहते हैं कि जब मैं लंदन आता हूँ तो पाकिस्तान की बात नहीं करूंगा। आपको सियासत का इतना कैसे पता? क्योंकि मुझे अपने मुल्क से बेहद मोहब्बत है। आप लंदन गई हैं? नहीं, अब नहीं जाना चाहती। लंदन जाएंगी तो मियाँ साहब से मुलाकात करेंगी? नहीं भाई, मुझे और बड़े काम है। लंदन में क्या काम है? जिंदगी में और बड़े काम है। जिंदगी में एक्टिंग के अलावा और क्या करती हैं आप? सोती हूँ। कुलूला कर रहा है 10 मिनट का एनर्जी वापस लाने के लिए। वो क्या होता है? कुलूला क्या होता है? थोड़ी देर के लिए जो लोग सोते हैं। ओके, पावर नैप। ओके, पावर नैप को उर्दू में कुलूला कहते हैं। तो मैंने ऐसी कौन सी बात की जिससे आपको लगा मैं सोई हुई? मैं तो आप सबको जगा रही हूँ कि उठ जाओ। हाँ, तो तभी आपने कहा ना मुझे सोना पसंद है, इसलिए मैंने कहा कि वो तो मैंने आपने पूछा काम के अलावा क्या करती हूँ, तो मैंने कहा कि मैं सोती हूँ। तो मैंने कहा घंटे से जाग रही हूँ, मैं सबको जगाने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने कहा घंटे से आप काम कर रही, थोड़ा सा सो भी ले। मुझे बताएं हद करदी का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? टिश्यू लाना है। हद करदी का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? रोते हुए पूछे ना, हद करदी का एक्सपीरियंस कैसा रहा? आइंदा मत रोइएगा। थैंक यू फॉर हैविंग मी हेयर। सीरियसली आई एम वेरी ग्लैड टू बी हेयर। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत एक कंफर्ट था। बिल्कुल मैं, मुझे ऐसे अनकंफर्टेबल नहीं हुआ कि ये बोलना है या नहीं बोलना है। इट्स लाइक कि आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठ के कुछ बातें करें, थोड़ा अच्छा वक्त गुजारें। तो थैंक यू सो मच, आपने इतनी प्यारी बात की। आपका शुक्रिया शो पर आने का। और मैं चाहूँगा शो का एंड हम इन्हीं की बात से करें जो इन्होंने की कि हर बंदे के अंदर, हर इंसान के अंदर एक उसकी अपनी खूबसूरत हैप्पी वाइब होती है जिसको वो इस्तेमाल करके लाइफ में खुश रह सकता है। नो मैटर कितने मसलों ने आपको इर्द गिर्द घेरा हो, तो आप भी अपनी उस जो आपकी खुशी की वाइब आपके अंदर अल्लाह ताला ने आपको दी है उस पर गौर करें और उसके थ्रू खुद भी खुश रहें, दुनिया में भी खुशियां बांटें, प्यार बांटें, क्योंकि वैसे ही कितने मसले, कितने दुख हैं। बिजली की प्राइस आपने देखा कहाँ चली गई है। तो इस वक्त हम एक दूसरे को सपोर्ट करना है, जितना हो सकता है एक दूसरे को सपोर्ट करें। हद करदी देखते रहें। मिलता हूँ आपसे हद करदी के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आई लव यू।